वर्किंग क्लास इनडी अरे जिंदाबाद जिंदाबाद अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुंबई के आजाद मैदान में जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन वेस्टर्न जोन की ओर से एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठकर लोगों ने सरकार के प्रति आक्रोश जताया। इस दौरान उनकी मांग थी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चारों कंपनियों को एक साथ विलय किया जाए एवं कंपनियों के शेयर बाजार में न उतारे जाए। इन सभी कंपनियों को भारत सरकार के अधीन में ही इसका कामकाज हो, ऐसा हमारा कहना है। इसी प्रकार भूख हड़ताल पर बैठे महेंद्र सावंत जी का कहना था कि मी महेंद्र सावंत जनरल इन्शुरन्स एम्प्लॉयज युनियन चा वेस्ट झोन चा जनरल सेक्रेटरी आहे। आज आम्ही इथे जे धरना आंदोलन जे केलेलं आहे किंवा ज्याला आपण हंगर स्ट्राईक म्हणतो तो केलेला आहे, त्याच्यामागचा मूळ उद्देश जो आहे तो म्हणजे BJP सरकारने जे निर्गुंतवणुकीचं जे धोरण स्वीकारलेलं आहे, एस्पेशली पब्लिक सेक्टर जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये त्यांनी खाजगीकरणाच्या दृष्टीने जे धोरण स्वीकारलेलं आहे त्याला विरोध करण्यासाठी आम्ही आज इकडे जमा झालो आहोत। गेल्या 2-3-4 महिन्यापूर्वी BJP सरकारने न्यू इंडिया आणि जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांचं खाजगीकरण केलं आणि आताच्या या फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बजेटमध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा घोषणा केली की उरलेल्या 3 कंपन्या ज्या आहेत जसं नॅशनल, युनायटेड आणि ओरिएंटल, या तिन्ही कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करायची आहे आणि त्याच्यापूर्वी तिन्ही कंपन्यांचं मर्जर करायचं आहे। आमचं असं म्हणणं आहे मर्जर ही आमची पूर्वापासूनची आमची मागणी आहे, पण मर्जर तुम्ही ज्या प्रकारे सांगताय त्या प्रकारचं मर्जर आम्हाला नको आहे। आम्हाला जे मर्जर हवं आहे ते चारही कंपन्यांचं एकत्रित हवं आहे, जे विलिनीकरण आहे ते चारही कंपन्यांचं एकत्रित करा, ज्याच्याने इंटर कंपनी जे कॉम्पिटिशन जी अतिशय घातक ठरवत होती आम्हा कंपन्यांसाठी ती कॉम्पिटिशन कुठेतरी संपुष्टात येईल आणि आमच्या जनरल इन्शुरन्स इंडस्ट्री जी आहे पब्लिक सेक्टर ती लोकांना आणखीन चांगल्या प्रकारे सर्व्हिस देऊ शकेल, त्याचप्रमाणे गव्हर्नमेंटला देखील चांगल्या प्रकारचा डिव्हिडंड देऊ शकेल, ही आमची मागणी आहे। त्याचबरोबरीने आम्ही 1995 जी पेन्शन स्कीम आहे ती 2005 साली गव्हर्नमेंटने बंद केली, ती पेन्शन स्कीम त्या पेन्शन स्कीमच्या अंतर्गत काही आमचे जे एम्प्लॉईज आहेत ते त्यापासून वंचित आहेत, तर त्या एम्प्लॉईजना देखील पुन्हा एकदा ती पेन्शन स्कीम थर्ड ऑप्शन किंवा सेकंड ऑप्शनच्या माध्यमातून लोकांना देण्यात यावी, हा एक आमचा डिमांड आहे। आणि त्याचबरोबरीने जे वेज रिव्हिजन ज्याला आपण वेतन करार जो आहे तो प्रलंबित आहे, साधारणतः गेल्या ऑगस्ट 2017 आमचा करार संपुष्टात आला, त्याच्यानंतर आम्ही आमच्या मागण्या मॅनेजमेंटकडे दिल्या आहेत चार्टरसाठी, पण गव्हर्नमेंटने किंवा मॅनेजमेंटने आम्हाला अजूनही बोलवलं नाही आहे। आम्ही या संदर्भात पत्रव्यवहार जो आहे तो जिप्सा जी चारही कंपन्यांची एक पॅरेंट बॉडी आपण म्हणू शकतो, म्हणजे एकत्रित त्यांना एकत्र आणणारी बॉडी, गव्हर्निंग बॉडी, त्या बॉडीला आम्ही करस्पॉन्डन्स केला। त्याचप्रमाणे चारही कंपन्यांचे CMD जे आहेत त्यांना देखील इंडिव्हिज्युअल आम्ही करस्पॉन्डन्स आमचा चालू आहे या संदर्भात। मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर आता आमच्याकडे जे कायदेशीररित्या जे आमच्याकडे जे हत्यारं आहेत, स्ट्राईक करणं, आंदोलन करणं किंवा डेमॉन्स्ट्रेशन करणं, हे आमचं सनदशीर मार्गाने जे आहे ते सगळं चालूच आहेत प्रयत्न आमचे, आणि आम्हाला खात्री आहे की त्यातून कुठे ना कुठे आम्हाला नक्कीच यश मिळेल। इसी दौरान बिलेश्वर बद्रा जी का कहना था कि मेरा नाम बिलेश्वर बद्रा, मैं जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन वेस्टर्न जोन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये धरना भूख हड़ताल जो हमने रखी थी आज दिन भर, वो हमारी जो चार मांगे हैं जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की उसके बारे में सबसे बड़ी मांग हमारी यही थी कि वन सिंगल कॉरपोरेशन के लिए हमारा जो डिमांड था वो पूरा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में अनाउंस किया था कि 3 कंपनी जो ओरिएंटल, यूनाइटेड, नेशनल, इनका मर्जर करेंगे, पर हमारी डिमांड, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि चारों कंपनी, न्यू इंडिया भी साथ में ले और हम चारों कंपनी का एक सिंगल कॉरपोरेशन बने, ताकि लोगों में कॉम्पिटिशन ना हो, इंटर कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। हमारी जो स्प्रेड है वो गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में आज की तारीख में काफ़ी कम है, तो हम चाहते हैं कि कम रेट्स में हम वो सर्विस प्रोवाइड करें आम नागरिक तक, तो वो जाना चाहिए, वो मूल उद्देश्य है गवर्नमेंट कंपनी का। और जो हमारे आपस में आज जो कंपटीशन हो रहा है उसे नुकसान कंपनी गवर्नमेंट को ही हो रहा है। हम गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा डिविडेंड आज तक दे चुके हैं, जो पैसा
ब्रिज बनाने में, रोड्स बनाने में जो लगता है, ये हमारी तरफ से काफ़ी हज़ारों करोड़ों में उसका कंट्रीब्यूशन जाता है, तो वो कंटिन्यू होना चाहिए। हम गवर्नमेंट को ये भी दिखाना चाहते हैं कि आज जो प्रोग्रेस किया है हमने 10,000 करोड़ से लेके आज हम लोग 80,000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर देना चालू कर दिया है, तो वो सब पब्लिक सेक्टर की देन है। और प्राइवेट सेक्टर में जो है कंपनीज, उन लोग यहाँ से प्रीमियम लेके भाग रहे हैं, प्रीमियम जब बाहर जा रहा है तो वो रोकना चाहते हैं। हमारी दूसरी डिमांड है कि 1995 की जो पेंशन स्कीम है वो कुछ लोगों को वंचित किया जा रहा है, तो 2010 तक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही मिल रही है, 2010 के बाद के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो स्कीम में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं उनको भी वो वन मोर ऑप्शन पेंशन का मिलना चाहिए। तीसरी डिमांड हमारी ऐसी है, वेज रिवीजन काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। अगस्त 2017 में हमने हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था चारों कंपनीज़ को, पर उसके ऊपर आज तक कोई बातचीत नहीं हो रही। हमने रेगुलर बेसिस पे उनको लिखा है, जिप्सा में हमारे प्रतिनिधि जो है जाके, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जाके मिलके आ रहे हैं पर्सनली, फिर भी उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द होना चाहिए। कैमरामैन सुचिता के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SNTV न्यूज़, मुंबई।